ये भाई डीजी यात्रा की सिक्योरिटी लाइन पार्ट नाइन हम दी भी है भाई डीजी यात्रा के लिए भी भाई सिक्योरिटी के लिए बहुत लाइन है यार। P3 की बात कर रहा हूँ मैं, इवन इफ यू आर अ डीजी यात्रा यूज़र उसके लिए भी लंबी लाइन है। तो अभी जा रहे हैं हम बोर्डिंग गेट्स की तरफ, बट उसके पहले मैं जा रहा हूँ लाउंज में क्योंकि थोड़ा टाइम है। सो लेट्स चेक फॉर द लाउंज। और ये T3 है, मैं शायद T3 पहले आया हूँ बट मैं रश में हूँगा। आई रिमेंबर मैं पहले T3 आ चुका हूँ और लाउंज ऊपर की तरफ है, हम एस्केलेटर लेके ऊपर जाएंगे तो पहले उस तरफ चलते हैं। बट काफ़ी क्राउड था भाई पूरा लाउंज फर्स्ट फ्लोर पे और एस्केलेटर। ये फर्स्ट फ्लोर का फूड कोर्ट टर्मिनल 3 पर। ये रहा इनकाम लाउंज, होपफुली यहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है आज, सो इट्स अ गुड थिंग। अंदर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द बोर्डिंग गेट। आई रिमेंबर मैं T3 में एक बार आया हूँ, अभी जा रहे हैं हम गेट नंबर 33 पे बोर्डिंग, वहाँ से एयर इंडिया की फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बैंगलोर। फाइनली बोर्डिंग पास स्कैन हो गया और एज यूजुअल लास्ट में ही मैंने स्कैन किया। आई एम गोइंग टू एयर इंडिया, उधर है पता नहीं किस साइड है, वेटर काफ़ी डिलेड है बोर्डिंग। इट्स लाइक 16:20 पे होनी थी और अभी 50 मिनट लेट है। यहाँ पे भी लाइन, हर जगह लाइन भाई। लैंड हो चुके हैं T2 पे भाई, ये तो बहुत चलना पड़ेगा भाई, लगभग 500-600 मीटर लग रहा है मुझे स्ट्रेट अप। मैंने पहली बार एयर इंडिया में फ्लाई किया, ये मेरी पहली फ्लाइट थी दिल्ली से बेंगलुरु विद एयर इंडिया एंड एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड, सिमिलर टू विस्तारा बट नॉट बेटर देन विस्तारा। अगर मुझे प्रेफर करना होगा एयर इंडिया और विस्तारा में तो आई विल गो फॉर विस्तारा, नो डाउट ऑन दैट। बट या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, बेंगलुरु का एयरपोर्ट। इट्स वेरी यूनिक, मेड विथ बैम्बूज या फिर कुछ वुडन स्ट्रक्चर है। लुक एट दिस व्यू इनसाइड एयरपोर्ट। लगभग 500-600 मीटर चल चुका हूँ बट बैगेज क्लेम का पॉइंट अभी तक आया नहीं, स्टिल वॉकिंग। काफ़ी वॉक करना पड़ रहा है भाई T2 में। अभी वहाँ पे एस्केलेटर है, वहाँ से हमें नीचे जाना पड़ेगा। इट्स कीप गोइंग, जल्दी घर पहुँचना है और मुझे रेस्ट करना है। फक मैन, लुक एट दिस डिस्प्ले, ट्रांसपेरेंट है, जस्ट लुक एट इट। नाइस मैन, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, इट्स सो अमेजिंग। अभी और वॉक करना है भाई, दिस इज नॉट एंडिंग, मेरे ख्याल से और 200 मीटर है। बेस्ट थिंग इज एयरपोर्ट खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है भाई, ये चलना ख़त्म नहीं हो रहा है। अब मुझे फाइनली कुछ दिख रहा है, हाँ यहाँ से बैगेज क्लेम हो सकता है। इट्स लाइक 7-10 मिनट्स वॉक। दिस इज योर
ये अराइवल्स है। दिस इज बैग नंबर 8। यहाँ पे आएगा लगेज। सो नाउ दिस इज व्हाट ओनली आई डोंट लाइक अबाउट फ्लाइट्स। बैगेज क्लेम करने के लिए 20-25 मिनट खड़ा हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं है। मतलब 20 से 25 मिनट इज़ अ वेरी लॉन्ग वेट। बाहर निकल के जो हवा आई ना, उससे बहुत शांति मिली, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी थी भाई, तो काफ़ी अच्छा लगा ये हवा शरीर को जब लगी हो। और यहाँ से मैं शटल बस पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे T1 जाना पड़ेगा। सो आई हैव टू एंड दिस व्लॉग हियर। डू सब्सक्राइब टू ट्रैवल अक्टूबर।